विदिशा की लटेरी पुलिस ने चोरी का एक बड़ा खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 3 लाख से अधिक की चोरी का माल बरामद किया गया। 18 जून को आरोपी ने एक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दूसरे दिन ही किराने की दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने 4 मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। विदिशा पुलिस अधीक्षक विधायक वर्मा के निर्देशन में लटेरी SDOP और लटेरी थाना प्रभारी नितिन पटेल की टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देने में सफलता हासिल की है। वही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इस घटना में कौन कौन लोग और शामिल है। चोरी की गई बाइक सहित किराने का माल पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद किया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। दिनांक 16/17 की रात्रि में लटेरी कस्बा में मुख्य मार्ग पर अमन किराना स्टोर पर रात्रि में खतर के नट खोल कर एक व्यक्ति द्वारा जो है चोरी की गई थी। रात्रि में हमारे रात्रि गश्त के जो ड्यूटी कर्मचारी मतलब कर्मचारी तथा अधिकारी श्री ASI जाटव साहब और उनके हमारा जो बल था, जब ये खानावान से गश्त कर रहे थे तो इनको उस व्यक्ति द्वारा जो है मोटरसाइकिल पर चुराया गया माल लाद कर वो भागने लगा, तो इनके द्वारा पीछा किया गया जिसे मकसूदनगढ़ रोड पर जाकर पकड़ा गया। पकड़ने में जो है एक मोटरसाइकिल तथा चुराया गया किराना का सामान जिसकी कीमत 42,000 रुपये अपाचे मोटरसाइकिल की है तथा 50,000 का किराना सामान रिकवर किया गया। पश्चात उक्त अपराध में थाना प्रभारी श्री नितिन पटले द्वारा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए गए आरोपी दीपक विश्वकर्मा तथा जगदीश विश्वकर्मा निवासी पंडापुरा लटेरी से और आगे वाहन चोरी के संबंध में पूछताछ की गई तो उक्त आरोपी द्वारा 3 वाहन और चोरी करना स्वीकार किया, जिसमें एक विजयनगर इंदौर का मोटरसाइकिल है जो नवंबर 2019 को चोरी की गई थी। दूसरी मोटरसाइकिल थाना शमशाबाद के हिनोतिया मालिक ग्राम से चुराई गई थी तथा तीसरी मोटरसाइकिल राघोगढ़ से चोरी किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।